वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को बीआरएस नेता कविता के हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली थी, जहां करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम को उन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद अरेस्ट किया गया। वहीं उसके बाद कविता को लेकर ईडी की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। देर रात उन्हें दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय लाया गया। जानकारी के अनुसार केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी कविता से दिल्ली में पूछताछ करेंगे। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने बताया कि ईडी की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेगी।